11.3 मुक्त पतन फ्री फॉल। चित्रानुसार एक बालक गेंद पी को पृथ्वी से ऊपर किक करता है। गेंद का ऊपर जाने से लेकर नीचे आने तक का पथ ए बी सी डी ई द्वारा दिखाया गया है, जिसमें ए गेंद की प्रारंभिक स्थिति, सी गेंद की अधिकतम ऊंचाई तथा ई गेंद की अंतिम स्थिति है। क्या आप बता सकते हैं कि बी सी डी एवं ई अवस्थाओं पर पी के ऊपर कौन कौन से बल क्रियाशील हैं? क्या गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा वस्तु पी पर कोई अन्य बल भी क्रियाशील है जो वस्तु को गतिशील करने के लिए प्रयोग में आया है? क्या वस्तु को पैर से किक करने के बाद भी वह बल क्रियाशील होता है? यदि हाँ तो कितने समय तक क्रियाशील रहेगा? इस क्रियाशील बल के कारण वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा? यदि इस पथ पर वस्तु पी पर सिर्फ पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील है और यह बल पृथ्वी के केंद्र की ओर क्रियाशील है, ऐसे में वस्तु कैसे ऊपर की ओर जा रही है? ये सभी प्रश्न स्वाभाविक हैं। ऐसा अक्सर सोचा जाता है कि यदि वस्तु में गति है तो उस पर जरूर गति की दिशा में बल लग रहा होगा, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। आपने बल एवं गति के नियम के अध्याय में देखा कि जरूरी नहीं है कि यदि वस्तु गति कर रही है तो उस पर कोई बल क्रिया कर रहा हो। हमने गति के द्वितीय नियम से यह भी देखा है कि वस्तु के ऊपर क्रियाशील बल संवेग के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह संवेग की दिशा में हो। यदि वह संवेग की दिशा के विपरीत है तो वह संवेग को घटाएगा। वास्तव में चलती हुई हर वस्तु की गति के विपरीत वायु बल लगाती है, मगर यह बल बहुत कम होता है और सहजता के लिए वायु द्वारा लगाए गए बल को हम अधिकांशतः नजरअंदाज कर देते हैं। हम जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम उस वस्तु को प्रारंभिक गति देते हैं। इस प्रारंभिक गति तथा संवेग के लिए बल चाहिए। शुरू में फेंकते समय हम बल लगाते हैं, पर सवाल यह है कि जब वस्तु हाथ से निकल जाती है तब क्या हाथ से दिया हुआ बल वस्तु पर अब भी क्रिया कर रहा होगा? गति के प्रथम नियम के अनुसार बल लगाने पर वस्तु में गति का संचार होता है और फिर जड़त्व के कारण वस्तु ऊपर की दिशा में चलती रहती है। हाथ से निकलने के बाद वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही क्रियाशील होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु में जो त्वरण होगा वह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होगा। वस्तु की गति की जिस जिस स्थिति में वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो, उस स्थिति को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना या मुक्त पतन कहा जाता है। क्या आप ऐसी कुछ और परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं जहां वस्तु मुक्त पतन की अवस्था में होती है? समूह में चर्चा करें। आपने गति के अध्याय में वस्तु के गति के समीकरणों के बारे में पढ़ा है। उन समीकरणों में त्वरण A के स्थान पर G लिखकर हम यह बताते हैं कि यह त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। गुरुत्वीय त्वरण में गति के समीकरण। समीकरण 1 V equal to U plus GT। समीकरण 2 H equal to UT plus 1 upon 2 GT square। समीकरण 3 V square plus U square plus 2GH। यहाँ H इक्वल टू वस्तु की पृथ्वी के तल से ऊंचाई। हम कुछ उदाहरण लेकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लें कि आप दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं A एवं B को 100 मीटर ऊपर से स्थिरावस्था से छोड़ते हैं। A एवं B के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम हैं। 10 मीटर दूरी तय करने के बाद दोनों के चाल का मान क्या होगा? अगले 10 मीटर के बाद में चाल क्या होगी? तालिका के इन बिंदुओं का अवलोकन करें। इस सारणी के आधार पर स्थिति और समय के बीच, चाल और समय के बीच तथा स्थिति और चाल के बीच ग्राफ खींचें। क्या वस्तु के द्रव्यमान का उसकी चाल पर कोई प्रभाव होता है?